गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 9, जो कि एडिटोरिया वॉल्यूम 1 बुक से चलाया जा रहा है। देखिए, अभी बहुत सारे लोगों का, आप लोगों का क्यूरीज था कि प्री का सेट या एडिटोरिया का एक नया वॉल्यूम, फर्स्ट जो बुक आया है ESI का, उसे स्टार्ट करने के लिए। तो अब हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि आपको जो ESI का जो बुक है वो स्टार्ट करवा दिया जाएगा आप लोगों को। साथ ही साथ बिहार दरोगा मेंस का जो वॉल्यूम 2 एडिटोरिया का आने वाला है वो 30 या तारीख के आसपास आ जाएगा, तो उसे भी स्टार्ट करवा दिया जाएगा। मतलब कि अब ये है कि आपको जो सेट है वो अल्टरनेट डे में मिलेगा। एक दिन आप लोगों को सेट मिलेगा जो प्री एग्ज़ाम के लिए मिलेगा, जिसमें प्री ESI के लिए कवर करवाया जाएगा और बिहार दरोगा की जो न्यू वैकेंसी आई है उसके लिए प्री को कवर करवाया जाएगा, और दूसरे अल्टरनेट में आप लोगों को बिहार दरोगा मेंस के लिए मिल जाएगा। तो अब प्रैक्टिस सेट रेगुलर मिल जाएगा आप लोगों को, एक दिन प्री का और एक दिन मेंस का। आप लोग दोनों देखिएगा, दोनों आप लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। चलिए तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरदार पटेल। देखिए, इसके अध्यक्ष प्रांतीय संविधान समिति की यह बात कर रहा है, तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल थे। अगर हम बात जवाहरलाल नेहरू की करते हैं तो जवाहरलाल नेहरू से याद रखिएगा, ये संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, डॉक्टर BR अम्बेडकर से अगर हम बात करते हैं तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जो थे वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, और इसके अध्यक्ष जो थे वो भाषाई आयोग के थे। और तो ये सारे प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष अगर पूछ रहा है तब आंसर हो जाएगा सरदार पटेल। अब चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, किस अधिनियम द्वारा बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषदों का गठन हुआ। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1861 के अधिनियम के तहत बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषदों का गठन हुआ था। अगर हम बात 1861 के अधिनियम से और करते हैं तो 1861 के अधिनियम से एक और चीज़ याद रखिएगा, 1861 के अधिनियम से विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ और गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। अगर हम बात 1892 के अधिनियम की करते हैं तो इससे याद रखिएगा, आप प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। 1909 के अधिनियम से पहली बार मुस्लिम समुदायों के लिए पृथक प्रतिनिधि का उपबंध किया गया, और 1919 के अधिनियम के तहत केंद्र में द्विशतनात्मक विधायिका की स्थापना की गई और प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया था। क्लियर है? चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग स्पष्ट रूप से घोषणा करता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना ही स्पष्ट रूप से घोषणा करती है कि भारत जो है वो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। प्रस्तावना की अगर हम बात करते हैं तो प्रस्तावना को ही संविधान की कुंजी कहा जाता है। क्लियर है? और एक प्रस्तावना से एक और चीज़ याद रखिएगा, इसमें एक बार अभी तक अमेंडमेंट हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में, और इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। अगर और ऑप्शंस की बात करते हैं तो मौलिक अधिकार की बात करते हैं तो इससे आप लोगों को याद होना चाहिए भाग 3, अनुच्छेद 12 से 35, और संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। राज्य के नीति निदेशक तत्व की अगर बात करते हैं तो लिया गया है आयरलैंड से, है भाग 4 में, और अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक। अगर हम बात मौलिक कर्तव्य की करते हैं तो ये लिया गया है रसिया से, और ये है भाग 4 के क में, अनुच्छेद 51 के तहत इसको जोड़ा गया है। क्लियर है? चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाना, खान और खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जाएगा, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो यह संविधान के अनुच्छेद 24 में वर्णित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 ही यह निर्धारित करता है कि 14 वर्ष के कम आयु के किसी भी बालक को कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा। अगर हम बात अनुच्छेद 21 की करते हैं तो अनुच्छेद 21 से याद रखिएगा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 22 से याद रखिएगा कि जो कुछ दशाओं में
गिरफ्तारी और निरोच में संरक्षण दिया गया है इसे, और अनुच्छेद 23 के तहत मानव के दुर्व्यापार और बालाश्रम का प्रतिषेध किया गया है। क्लियर है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 कह रहा है कि संविधान संशोधन द्वारा आपात के संदर्भ में आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा आपात के संदर्भ में आंतरिक अशांति के शब्द पे क्या रखा गया, सशस्त्र विद्रोह रखा गया था। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन 1978 से एक और चीज़ याद रखिएगा कि इसी संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकारों की श्रेणी में रख दिया गया है। क्लियर है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि केंद्र राज्य संबंधों पर गठित विभिन्न आयोग का कालानुक्रम के अनुसार सही कालक्रम के अनुसार सही है। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं प्रशासनिक सुधार आयोग की, तो प्रशासनिक सुधार आयोग जो था वो उसका गठन मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में कब किया गया था, 1966 में किया गया था, ना कि 1967 में। और ये अपना रिपोर्ट कब पेश किया था, ये अपना रिपोर्ट पेश किया था 1969 में। ठीक है, अगर हम बात राज मन्नार समिति की करते हैं तो राज मन्नार समिति जो है ये सही है, 1969 में ही हुआ था। और अगर हम बात सरकारी आयोग की करते हैं तो सरकारी आयोग का भी गठन 1983 में हुआ था, जो कि केंद्र सरकार के द्वारा किया गया था, और ये अपना रिपोर्ट जो था वो 1987 में पेश किया था। क्लियर है। अगर एमएम पुंछी आयोग की बात करते हैं तो ये 2005 में नहीं था, ये 2007 में इसका गठन किया गया था, अप्रैल 2007 में केंद्र सरकार ने मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में पुंछी आयोग का गठन किया था, जो कि अपना रिपोर्ट कब पेश किया था, रिपोर्ट पेश किया था 2010 में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, केवल 2 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है सही मिलान करने के लिए, तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है हमारा, देखिए कौन किसके साथ मैच करेगा। अगर हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय परिषद की, तो अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में जो उपबंध है वो अनुच्छेद 263 में है। ठीक है, भारत का जो संचित निधि है ये अनुच्छेद 266 में है, भारत की आकस्मिक निधि है ये अनुच्छेद 267 में है, और वित्त आयोग जो है वो अनुच्छेद 280 में है। तो इसको मैच करने के बाद इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि संविधान सभा में किसने यह मत व्यक्त किया था कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत एक ऐसे चेक की भांति है जिसे बैंक की सुविधा अनुसार भुनाया जा सकता है या भंजाया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, केटी शाह के द्वारा ये कहा गया था। क्लियर है। अगर हम बात यहाँ पे राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत की बात करते हैं, तो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत जो है वो भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक, और आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, अगर हम बात यहाँ पे जेबी कृपलानी की करते हैं, तो जेबी कृपलानी और ऑप्शंस बी एन राव, के एम मुंशी, तो के एम मुंशी की अगर बात करते हैं तो के एम मुंशी जो से एक चीज़ याद रखिएगा, के एम मुंशी जो थे वो भारतीय विद्या भवन की स्थापना किए थे। ठीक है, जे बी कृपलानी से याद रखिएगा, ये मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे, और डॉक्टर बी एन राव से याद रखिएगा, ये कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे। क्लियर है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन के बारे में क्या सही है। तो देखिए, यह अनुच्छेद 108 के अंतर्गत बुलाया जाता है। तो हाँ, ये बिल्कुल सही है, ये अनुच्छेद 108 के तहत बुलाया जाता है। उसके बाद अगर दूसरा ऑप्शन है, संयुक्त बैठक की कार्यवाही लोकसभा के प्रक्रिय नियमों के अनुसार संचालित होती है, तो ये भी बिल्कुल सही है, ये लोकसभा के नियमों के अनुसार ही संचालित होता है, और इसका जो अध्यक्षता होता है वो भी लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। संयुक्त बैठक की कार्यवाही के लिए राष्ट्रपति अलग से नया नियम बनाता है, ये गलत है, क्योंकि ये लोकसभा के प्रक्रिय नियमों के अनुसार संचालित होता है, और संविधान संशोधन विधेयक कभी भी संयुक्त अधिवेशन द्वारा ही पास किया जाता है, ये भी गलत है, क्योंकि जो संयुक्त अधिवेशन है ये कभी भी संविधान संशोधन विधेयक और वित्त विधेयक के लिए नहीं बुलाया जाता है। क्यों? क्योंकि जो संविधान संशोधन विधेयक होता है ये संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग पास करवाना अनिवार्य होता है। क्लियर है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि स्पीकर किस समिति का पदेन सभापति होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1, 2, 3, नियम समिति, कार्य मंत्रा समिति और समान परियोजना समिति, तीनों का अध्यक्ष जो होता है वो
स्पीकर होता है, इसका पदेन सभापति। अगर हम बात लोक लेखा समिति की करते हैं तो लोक लेखा समिति से याद रखिएगा, इसका जो अध्यक्ष होता है ये विपक्ष का नेता होता है। ऐसा कहीं संविधान में मेंशन नहीं है कि इसका जो अध्यक्ष होगा वो विपक्ष का नेता होगा, लेकिन हुआ क्या था कि 1967 में पहली बार श्री मीनू मसानी जो कि विरोधी दल के नेता थे उन्हीं को अध्यक्ष चुना गया था, और तब से लेकर आज तक विरोधी दल के नेता को ही लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है। क्लियर है? चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि पृष्ठ तनाव का बीमीय सूत्र क्या होता है। तो पृष्ठ तनाव का जो बीमीय सूत्र होता है वो होगा, देखिए पृष्ठ तनाव होता क्या है, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन बराबर होता क्या है, बल अपॉन में लंबाई। तो ऊपर क्या हो जाएगा, MLT, और नीचे हो जाएगा L। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। अब बात करते हैं पृष्ठ तनाव की, कि पृष्ठ तनाव है क्या। पृष्ठ तनाव का मतलब होता है, देखिए द्रवों के स्वतंत्र पृष्ठ में कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की एक प्रवृत्ति होती है, जिसके कारण उसका जो पृष्ठ होता है वो सदैव तनाव की स्थिति में रहता है, और इसे ही हम लोग पृष्ठ तनाव कहते हैं। क्लियर है? चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि लेजर का पूर्ण रूप क्या है। तो लेजर का पूर्ण रूप है लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। लेजर से एक चीज याद रखिएगा कि पहले क्रियाशील लेजर का प्रदर्शन जो था वो 1960 में किया गया था थियोडर मेनन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है इंडियन सिक्योरिटी प्रेस कहाँ स्थित है। तो इंडियन सिक्योरिटी प्रेस जो है वो नासिक में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है। तो द्रव्यमान ऊर्जा संबंध जो है वो ऊर्जा का क्षेत्र सिद्धांत का निष्कर्ष है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। नहीं, देखिए द्रव्यमान ऊर्जा संबंध पूछ रहा है तो ये सापेक्षता का समान सिद्धांत है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है गाड़ी के हेडलाइट में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो गाड़ी के हेडलाइट हो गया या फिर सर्च लाइट हो गया, तो ये सब में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जो अवतल दर्पण होता है वो प्रकाश किरणों को अभिसारित करके दूर तक भेजने में ज़्यादा उपयोगी माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा अवतल दर्पण, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है सेकंड के लोलक की आवर्त काल अवधि क्या होती है। तो सेकंड लोलक की बात कर रहा है ये, तो सेकंड लोलक यानी सेकंड पेंडुलम की बात कर रहा है। तो सेकंड पेंडुलम की जो आवर्त काल होती है वो होता है 2 सेकंड। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है। तो शीशे के संचयन वाले सेल में H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग होता है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही आंसर है। H2SO4 से एक चीज़ याद रखिएगा, इसको वॉयल ऑफ विट्रॉल भी कहा जाता है। HCl पता ही है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, और CH3COOH होता है एसेटिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीने है, इसके 3/4 भाग को एक क्षय होने में कितना समय लगेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 महीने लगेगा। देखिए होगा क्या कि 3/4 यानी उसमें बचा हुआ कितना है, तो 1 में से 3/4 को अगर आप माइनस कर दीजिएगा तो 1/4 हो जाएगा। फिर एक फार्मूला पढ़े होंगे आप लोग, n=n0 1/2 n, तो यहाँ से n की वैल्यू निकल जाएगी 2, तो t बराबर होता है n × t, तो यानी 2 × 4, तो 8 महीने लगेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है MnO2 में Mn का ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा। तो MnO2 में Mn का जो ऑक्सीकरण संख्या होगा वो हो जाएगा 4, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा सही आंसर है। देखिए Mn2O का आप निकालिएगा तो ऐसा कुछ निकलेगा, x+-2 कीजिएगा, (2)2=0, तो यहां से x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है मिलान करने के लिए सूची 1 को सूची 2 के साथ, सूची 1 में है दिया हुआ जर्मन सिल्वर, तो ये जर्मन सिल्वर मैच करेगा किसके साथ, निकल के साथ मैच करेगा, सोल्डर है ये टीन के साथ मैच करेगा, ब्लीचिंग पाउडर है ये क्लोरीन के साथ मैच करेगा, और हाइपो जो है वो सोडियम के साथ मैच करेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है शुष्क बर्फ होता है, तो शुष्क बर्फ किसको बोलते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है।
तो रबड़ को हम लोग प्राकृतिक बहुलक बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, डायनामाइट मुख्य रूप से होता है, तो डायनामाइट जो होता है वो मुख्य रूप से क्या होता है, नाइट्रोग्लिसरीन होता है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही आंसर है। डायनामाइट से याद रखिएगा, इसका खोज 1867 में अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है शक्कर के किण्वन से क्या बनता है, तो शक्कर के किण्वन से एथिलीन बनता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है लाइसोसोम को, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, लाइसोसोम का मुख्य कार्य ही होता है कोशिका में विभिन्न पदार्थों का पाचन करना, इसे विभिन्न प्रकार के एंजाइम एवं अम्ल पाए जाते हैं जिसके फटने से क्या होता है, कोशिका नष्ट हो जाती है। अगर हम बात माइटोकॉन्ड्रिया को कर रहे हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल, और अगर राइबोसोम की बात करते हैं तो राइबोसोम को बोला जाता है प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। क्लियर है, चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है निम्न में से कौन विटामिन जल में घुलनशील होता है, तो देखिए जल में घुलनशील विटामिन सी कौन कौन से है, तो बी और सी जो है वो जल में घुलनशील है। ठीक है, बी और सी जो है वो जल में घुलनशील है, और ए डी और ई और के जो है वो वसा में घुलनशील विटामिन है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन बी। विटामिन से एक चीज़ और याद रखिएगा, उसका केमिकल नेम बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है, तो विटामिन ए का केमिकल नेम होता है रेटिनॉल, विटामिन बी वन का केमिकल नेम होगा थाइमिन, विटामिन सी का केमिकल नेम होगा एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी का केमिकल नेम होता है कैल्सिफेरॉल, विटामिन ई का केमिकल नेम होता है टोकोफेरॉल, और विटामिन के का केमिकल नेम होता है फिलोकिनबोनोन। ठीक है, क्लियर है, चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है ट्रोकमा रोग में आंख का कौन सा भाग प्रभावित होता है, तो देखिए ट्रोकमा जो है एक संक्रामक रोग है जो कि जीवाणुओं के कारण होता है, संक्रामक से पलकों की जो भीतरी सतह होता है उसका खुदरापन हो जाता है, और यही खुदरापन आँखों में दर्द और बाहरी सतह का टूटना या फिर आँखों के कॉर्निया, और फिर लास्ट में इंसान इसमें अंधापन का भी शिकार हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉर्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है महिलाओं में आवर्त चक्र मेंसुरेशन साइकिल जो फीमेल्स में होती हैं उसकी अवधि क्या होती है, तो मेंसुरेशन साइकिल का जो अवधि होता है वो होता है 28 दिन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 28 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है इंसुलिन में निम्न में से कौन सी धातु मौजूद होती है, तो इंसुलिन में जस्ता मौजूद होता है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, तो देखिए थाइमिन की अगर हम बात करते हैं तो थाइमिन जो होगा वो सुमेलित है, बेरीबेरी एस्कॉर्बिक अम्ल एस्कॉर्बिक सुमेलित है, विटामिन ए वर्धांता सुमेलित नहीं है, क्योंकि ये जो वर्धांता है ये एक अनुवांशिक बीमारी है, जबकि विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। ठीक है, विटामिन के रक्त जमना ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है भारत के किस प्रदेश की सीमाओं 3 देशों क्रमशः नेपाल भूटान एवं चीन से मिलती है, तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम की जो सीमा है वो नेपाल भूटान और चीन तीनों देशों से मिलती है। देखिए नेपाल की अगर बात करते हैं तो नेपाल से भारत सीमा बनाता है 1751 किलोमीटर का, जिसमें जो राज्य स्पर्श करती है नेपाल को वो है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। अगर हम बात भूटान की करते हैं तो भूटान 699 किलोमीटर बनाता है भारत के साथ सीमा, जिसमें कि राज्य हैं असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। अगर हम बात चाइना की करते हैं तो चाइना 3488 किलोमीटर की सीमा बनाता है भारत के साथ, और इसके साथ बाउंड्री साझा करने वाले राज्य हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये सब। ठीक है, क्लियर है, चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है निम्नलिखित समूहों में से कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखर का सही क्रम है, तो देखिए पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम अगर पूछता है तब हो जाएगा कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलागिरी, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कोडाई कनाल किस पहाड़ी पर स्थित है, तो कोडाई कनाल जो है वो पालनी पहाड़ी जो तमिलनाडु में स्थित है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पालनी पहाड़ी। ठीक है,
अगर हम बात और ऑप्शंस की करते हैं तो नीलगिरी के पहाड़ियों पर उटमकुट जो है वो नीलगिरी की पहाड़ियों पर है और शिमला जो है वो धौलाधीर श्रेणी में अवस्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है भारत में निम्नलिखित तटों में से कृष्णा डेल्टा एवं केप कैमरिन के मध्य स्थित है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोरोमंडल तट। जो है कोरोमंडल तट का जो विस्तार है ये भारत के दक्षिणी प्रायद्वीपीय पूर्व में आंध्र प्रदेश कृष्णा डेल्टा से तमिलनाडु के केप कैमरिन यानी कन्याकुमारी तक है। ठीक है, भारत के अगर हम कुल राज्य की भारत की बात करें तो भारत के कुल 9 राज्य हैं जो तट से लगे हुए हैं, जिसमें गुजरात की जो तट रेखा है वो सबसे लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है सूची एक और सूची दो का मिलान कीजिए। तो देखिए रुद्रप्रयाग किसके साथ मिलेगा, रुद्रप्रयाग मिलेगा अलकनंदा और मंदाकिनी के साथ। नंदप्रयाग की अगर बात करते हैं तो ये मिलेगा विष्णु गंगा मंदाकिनी के साथ। और अगर कर्णप्रयाग की बात करते हैं तो कर्णप्रयाग मिलेगा अलकनंदा पिंडर के साथ और देवप्रयाग मिलेगा भागीरथी अलकनंदा के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है पोलाबरम परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो पोलाबरम परियोजना जो है ये गोदावरी नदी पर स्थित है और इस कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी नदी। ठीक है, गोदावरी से और चीज़ याद रखिएगा, गोदावरी पर कुछ और परियोजनाएँ हैं जैसे कि है जैकबाड़ी परियोजना और एक और है पोचमपाद परियोजना, ये दोनों गोदावरी नदी पर स्थित है। अगर हम बात कृष्णा नदी की करते हैं तो कृष्णा नदी से याद रखिएगा नागार्जुन सागर परियोजना और कावेरी नदी से याद रखिएगा शिव समुद्रम परियोजना, मैटूर परियोजना। और महानदी की बात करते हैं तो महानदी से याद रखिएगा हीराकुंड बांध परियोजना और महानदी डेल्टा परियोजना। ये सारे परियोजना किस पे हैं, महानदी पर स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। तो भारत की जो सर्वाधिक वर्षा है वो प्राप्त होती है दक्षिण पश्चिमी मॉनसून के कारण। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून के कारण। क्लियर है, चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित कीजिए। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती जो है ये मैच करेगा तराई के साथ, क्योंकि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती जो वन है इसका जो क्षेत्र है वो पश्चिमी घाट का पूर्वी ढाल प्रायद्वीपीय भारत का उत्तर पूर्वी भाग भाबर और तराई क्षेत्र है। ये जनरली 100 से 150 सेंटीमीटर मानसूनी वन होता है। और अगर उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती की बात करते हैं तो ये मैच करेगा मध्य गंगा मैदान से। ठीक है, और अल्पलाइन की अगर बात करते हैं तो अल्पाइन वन जो है वो हिमालय के उचली ऊंचाई वाले भागों जैसे 2800 से 400 किलोमीटर पर 400 मीटर पर पाए जाते हैं और अरुणाचल प्रदेश में इसका विस्तार मिलता है। तो ये अरुणाचल प्रदेश से मैच करेगा। उष्णकटिबंधीय सदाबहार की अगर बात करते हैं तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार जो वन है उसका विस्तार पश्चिमी घाट उत्तर पूर्वी भारत अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आसपास में मिलता है। तो ये सह्याद्री से मैच करेगा। क्लियर है, चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है मूंगा रेशम भारत के किस राज्य में सर्वाधिक पैदा किया जाता है। तो देखिए रेशम के बहुत सारे प्रकार होते हैं, यहाँ आपसे मूंगा रेशम पूछा है, कोई और रेशम भी पूछ देगा, लेकिन मूंगा रेशम जो होगा वो सबसे ज़्यादा आसाम में होता है। शहतूत रेशम होता है जो सबसे ज़्यादा कर्नाटक में होता है। टसर रेशम सबसे ज़्यादा झारखंड में होता है। और ईरी रेशम भी है वो भी सबसे ज़्यादा आसाम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कोयला के संचित भंडार की दृष्टि से भारत के राज्यों को लिखित में सभी सही आरोही अवरोही क्रम क्या है। तो इसका हो जाएगा पहले नंबर पे झारखंड, दूसरे पे उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़, फिर पश्चिम बंगाल, फिर मध्य प्रदेश। तो इसको अगर आप सही से अरेंज करिएगा तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है द हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट निम्न स्थानों में से कहाँ स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दार्जिलिंग में ये स्थित है। ठीक है, अगर हम बात देहरादून की करते हैं तो देहरादून से याद रखिएगा भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, भारतीय सर्वेक्षण विभाग और केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान, ये सबसे अब देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि सूर्य ग्रहण कब होता है। तो सूर्य ग्रहण की अगर बात करते हैं तो जब जो चंद्रमा होता है वो सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है
जिसके कारण सूर्य का जो प्रकाश होता है वो पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है, तब सूर्य ग्रहण लगता है। और सूर्य ग्रहण जो होगा वो केवल अमावस्या को लगेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। अगर हम बात चंद्र ग्रहण की करते हैं तो चंद्र ग्रहण में क्या होता है कि पृथ्वी जो होता है वो सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है, जिससे सूर्य का प्रकाश जो है वो चंद्रमा तक नहीं पहुँच पाता है, तो फिर चंद्र ग्रहण लग जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है व्हाइट पर्वत कहाँ पाए जाते हैं। तो अगर व्हाइट पर्वत की बात करते हैं तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूएसए। ठीक है, अगर हम बात ब्लैक पर्वत की करते हैं तो ब्लैक पर्वत भी संयुक्त राज्य अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना प्रांत में स्थित है। लेकिन अगर ब्लैक फॉरेस्ट की बात करते हैं तो ब्लैक फॉरेस्ट जो होगा वो जर्मनी में स्थित है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है अंधी घाटियां कहाँ पाई जाती हैं। तो जो अंधी घाटियां हैं ये पाई जाती है काश्त प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है मैगिनॉट रेखा है। तो मैगिनॉट रेखा जो है वो फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा रेखा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगर हम बात अमेरिका और कनाडा के बीच सीमा की रेखा की करते हैं तो अमेरिका और कनाडा के बीच की जो सीमा रेखा है इसको बोला जाता है 49 डिग्री समांतर रेखा, जो कि यूएसए और कनाडा के बीच सीमा का निर्धारण करती है। अगर हम बात करते हैं जर्मनी और पोलैंड की सीमा के बीच की, तो जर्मनी और पोलैंड के मध्य जो सीमा है वो है हिंडनबर्ग रेखा, जो है वो जर्मनी और पोलैंड के बीच है। अगर हम ठीक है और भारत और अफगानिस्तान के बीच नहीं है, अगर भारत अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच पूछे तब हो जाएगा डुरंड लाइन, और भारत और पाकिस्तान के पीछे तब हो जाएगा रेड क्लिफ लाइन, और भारत और चाइना के पीछे पूछ दे तो भारत और चाइना के मध्य है मैकमोहन लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है निम्न दिए गए उगमों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए बहमास जो है ये कंट्री का नाम है और इसकी कैपिटल है नसाउ, ये सही सुमेलित है। कोस्टारिका जो है इसके कैपिटल का नाम है सान जोस, ये भी सही सुमेलित है। निकारागुआ के कैपिटल का नाम है मानगुआ, ये भी सही सुमेलित है। और इंडोनेशिया की कैपिटल का नाम है जाकर्ता, ये भी सही सुमेलित है। तो ये चारों सही सुमेलित है, ये चारों सही सुमेलित है। ये क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है उत्तर प्रदेश तथा बिहार राज्य की सीमा पर कौन सा जलप्रपात स्थित है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा दुर्गावती जलप्रपात, और ये है कहाँ, रोहतास जिले के छानापुर गांव में स्थित है ये दुर्गावती जलप्रपात। ठीक है, अगर हम बात हुंडर जलप्रपात की करते हैं तब कहाँ है, हुंडर जलप्रपात जो है वो रांची में स्थित है। ठीक है, और ककोला जलप्रपात तो पता ही है कि ये ककोला जलप्रपात नवादा से थोड़ा सा आगे है ककोला जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है बिहार का पहला डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ अवस्थित है। तो बिहार का पहला डॉल्फिन अभयारण्य जो है वो भागलपुर में अवस्थित है, और इसको बिहार सरकार ने सन 1990 में इसको डॉल्फिन अभयारण्य के रूप में मान्यता प्रदान किया था। देखिए बिहार से कुछ और जीव अभयारण्य याद रखिएगा, जैसे गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य जो कि गया में स्थित है, फिर है एक भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य जो कि मुंगेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि भारत वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक बनावरण प्रतिशत वाले राज्य के अवरोही क्रम है। तो देखिए सर्वाधिक बनावरण प्रतिशत वाले राज्य अगर पूछेगा तो सबसे पहले नंबर पर हो जाएगा मिजोरम, दूसरे नंबर पर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, तीसरे नंबर पर हो जाएगा मेघालय, चौथे नंबर पर मणिपुर, और पाँचवें नंबर पर नागालैंड। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है सुंडा जल संधि किसके मध्य स्थित है। तो अगर हम बात सुंडा जल संधि की करते हैं तो ये है जाबा द्वीप और सुमागरा द्वीप के बीच मध्य स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, ये जाबा सागर और हिंद महासागर को भी जोड़ती है, ये भी याद रखिएगा। अगर हम बात मलेशिया और इंडोनेशिया की बात करते हैं तब याद रखिएगा मलक्का जल संधि, ये मलक्का जल संधि जो है वो मलेशिया और इंडोनेशिया को अलग करती है। अगर हम बात बाली द्वीप और लोम्बोक द्वीप की करते हैं तब याद रखिएगा लोम्बोक जल संधि जो कि बाली द्वीप और लोम्बोक द्वीप के बीच स्थित है। अगर हम बात क्यूबा और यूएसए की करते हैं तो ये याद रखिएगा फ्लोरिडा जल संधि जो कि क्यूबा और यूएसए के बीच स्थित है, और ये मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था। तो मुस्लिम लीग जो है
मुस्लिम लीग ने संविधान सभा में उचित प्रतिनिधि नहीं मिला, नहीं ये गलत है, और मुस्लिम मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी। यही अगर हम बात करते हैं मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल सेकंड सही है, मतलब मुस्लिम मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी। ठीक है, संविधान सभा से एक चीज़ याद रखिएगा कि संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को और अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य थे ये मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ जो है वो आज के बलूचिस्तान में स्थित है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा मेहरगढ़, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि सभा एवं समिति प्रजापति की दो पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अथर्थ वेद में मिलता है, सभा एवं समिति प्रजापति की दो पुत्रियां थी। ठीक है, सभा जो था वो श्रेष्ठ लोगों की संस्था थी और समिति जो थी वो आम जन लोगों की संस्था थी, और अथर्थ वेद में इन्हें ही प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि मौर्य काल में भाग एवं बलि थे, तो मौर्य काल में भाग और बलि क्या था, भाग और बलि राजस्व का साधन था और ये एक प्रकार का धार्मिक कर था, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्व के स्रोत थे। मौर्य काल से एक चीज़ याद रखिएगा, मौर्य साम्राज्य जो था वो मेगास्थनीज के अनुसार नगर मेगास्थनीज के अनुसार जो मौर्य साम्राज्य का जो नगर प्रशासन था वो नगर का जो प्रशासन था वो 30 सदस्यों का एक मंडल करता था जो 6 समितियों में विभाजित था और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। क्लियर है, चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से प्राप्त होता है, तो सती प्रथा का पहला जो साक्ष्य है वो हमें मिलता है एरन अभिलेख से, जो कि किसका है, भानुगुप्त का है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भानुगुप्त का एरन अभिलेख से मुझे मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो ये पूछ रहा कौन सुमेलित नहीं है, तो देखिए कृष्ण प्रथम एलोरा का कैलाश मंदिर सुमेलित है, नरसिंह ब्राह्मण प्रथम रथ मंदिर सुमेलित है, राजराज प्रथम विदेश्वर का मंदिर सुमेलित है, नरसिंह ब्राह्मण प्रथम काची का कैलाश मंदिर सुमेलित नहीं है, क्योंकि जो काची का कैलाश मंदिर है इसका निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। क्लियर है, चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है किसके मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान नाम से जाना जाता था, तो शिवाजी के मंत्रिपरिषद में 8 मंत्री होते थे और उन्हें ही अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अष्टप्रधान से। एक और चीज़ याद रखिएगा, एक था कृष्णदेव राव, उसके दरबार के में साहित्य के 8 महत्वपूर्ण विद्वान रहते थे और उसको अष्ट दिग्गज कहा जाता था। क्लियर है, चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 58। किस शासक को गुलामों का गुलाम कहा जाता था, तो ये कहा जाता था इल्तुतमिश को, क्यों, क्योंकि इल्तुतमिश जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो खुद मोहम्मद गोरी का गुलाम था, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश से और भी कुछ चीज़ें याद रखिएगा, जैसे इसने लाहौर से राजधानी अपनी स्थानांतरित करके दिल्ली ले आया था और खुद इल्तुतमिश जो था वो पहला ऐसा शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति भी प्राप्त की थी। अगर हम बात कुतुबुद्दीन ऐबक की करते हैं तो कुतुबुद्दीन ऐबक से याद रखिएगा, इसको लाख बस कहा जाता था, लाखों का दान देने वाला, और इसने कुतुब मीनार की नींव रखी थी, फिर आगे जाके इसको इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था और इसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा भी बनवाया था। नसरुद्दीन मोहम्मद से एक चीज़ याद रखिएगा जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि कौन ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था, तो वो था नसरुद्दीन महमूद। अगर हम बात बलबन की करते हैं तो बलबन से याद रखिएगा, इसने पबोस प्रथा की शुरुआत की थी, लौ एवं रक्त की नीति का पालन किया था और एक नवरोज उत्सव भी प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो देखिए अगर हम बात माधवाचार्य की करते हैं दैत्यवाद ये सुमेलित है, रामानुजाचार्य विशिष्ट दैत्यवाद ये भी सुमेलित है, लेकिन निम्बकाचार्य शुद्ध दैत्यवाद सुमेलित नहीं है क्योंकि इनका जो था वो है दैत्यवाद था। ठीक है, और शंकराचार्य का दैत्यवाद ये भी सुमेलित है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 60।
क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो महलबाड़ी बस्तुबंद उत्तर पश्चिमी प्रांत सुमेलित है, अस्थाई बंदोबस्त बंगाल सुमेलित है, रैतबाड़ी बंदोबस्त मद्रास सुमेलित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कांग्रेस ने किस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के धन निष्कासन सिद्धांत को स्वीकारा था। तो ये कांग्रेस ने अपने 1905 के अधिवेशन में सुधारा था, और 1905 में हुआ कहाँ था, बनारस अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता किए थे गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगर हम बात 1886 की करते हैं तो 1886 से याद रखिएगा कलकत्ता में हुआ था और दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था इसकी अध्यक्षता। 1888 में इलाहाबाद हुआ था और जॉर्ज यूले के द्वारा किया गया था, जो कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष था। अगर हम बात 1896 की करते हैं तो 1896 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता रहीमउद्दौला सयानी ने किया था। और इस अधिवेशन से एक चीज़ याद रखिएगा कि 1896 के ही कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ही पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। क्लियर है, चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो कूका आंदोलन किसे, पंजाब से सुमेलित होगा। अहोम विद्रोह की अगर बात करते हैं तो ये आसाम से। किटकूर विद्रोह की अगर बात करते हैं तो ये कर्नाटक से। और पीलीगारो विद्रोह तमिलनाडु से मैच करेगा। क्लियर है, चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है रिंग फेंस की नीति या घेरों की नीति का संबंध किस गवर्नर जनरल से है। तो रिंग फेंस की नीति की है वो है बारन हेस्टिंग्स के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बारन हेस्टिंग्स। ठीक है, बारन हेस्टिंग्स है, अगर ये चीज याद रखिएगा, इसका जो टेन्यूअर था वो था 1774 से लेके 1785 तक। ठीक है, 1774 से था 1785 तक। इससे एक चीज़ और याद रखिएगा, ये जो था वो राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लेके चला गया था। अगर हम बात डलहौजी की करते हैं तो याद रखिएगा 1848 से 1856, और इसने एक डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स यानी हड़प नीति करवाया था, शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था, और 1854 में एक लोकसभा विभाग की भी स्थापना किया था। ठीक है, अगर हम बात कॉर्निवालिस की करते हैं तो इसे याद रखिएगा, ये भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। और कॉर्निवालिस से एक और चीज़ याद रखिएगा, इसी ने ही सर्वप्रथम जिला में पुलिस थाना की स्थापना कर एक दरोगा को इसका इंचार्ज बनाया था। अगर हम बात अगले ऑप्शंस की करते हैं, मतलब अगले क्वेश्चन की करते हैं, तो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है निम्नलिखित घटनाओं को क्रम से सजाने के लिए। तो असहयोग आंदोलन कब हुआ है, 1920। ठीक है, गांधी दास पैक्ट कब, 1924। सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब, ये 1932। और काकोरी कांड 1925। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो अरेंज करने के बाद हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है किस क्षेत्र को जीतने के लिए शेरशाह सूरी ने कहा था कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं अपनी दिल्ली की सल्तनत खो देता। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माड़बार को जीतने के लिए ये बात उसने कहा था। शेरशाह से एक चीज़ याद रखिएगा, शेरशाह जो था वो कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की भी शुरुआत किया था। शेरशाह से एक क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि इसने भूमि माप के लिए 32 अंक वाला एक सिकंदरी गज और सन की डंडी का प्रयोग किया था। क्लियर है, चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो लॉर्ड डलहौजी अवध का विलय सुमेलित है, लॉर्ड एलनबरो सिंध का विलय सुमेलित है, लॉर्ड हेस्टिंग्स तृतीय ऑंग्ल मराठा युद्ध सुमेलित है, लेकिन लॉर्ड बेलेजली तृतीय ऑंग्ल मैसूर युद्ध सुमेलित नहीं है, क्योंकि जो लॉर्ड बेलेजली जो था ये द्वितीय ऑंगल मैसूर युद्ध के समय था, क्योंकि इसका जो टेन्योर था वो था 1780 से लेके 1784। नहीं, लॉर्ड बेलेजली की अगर बात करते हैं तो देखिए तृतीय ऑंगल मैसूर युद्ध में लॉर्ड बेलेजली नहीं था, लॉर्ड बेलेजली का जो संबंध था वो था चौथे ऑंगल मैसूर युद्ध से। ठीक है, चौथे ऑंगल मैसूर युद्ध से संबंध था। तृतीय ऑंगल मैसूर जो युद्ध था वो हुआ था 1790 से 92, तब ये हो जाएगा किससे, कॉर्निवालिस से, और ये खत्म हुआ था श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा। अगर हम बात द्वितीय ऑंगल मैसूर युद्ध की करते हैं तब उस समय था 1780 से लेकर 1784 यानी बारन हेस्टिंग्स, और ये जो था ये मैंगलोर की संधि से खत्म हुआ था। क्लियर है,
चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो तत्वबोधिनी सभा जो है ये सुमेलित होगा देवेंद्रनाथ टैगोर से, सत्यशोधक समाज की अगर बात करते हैं तो ये होगा ज्योतिबा फुले से, वेद समाज की बात करते हैं तो ये होगा धरालू नायडू से, और प्रार्थना समाज की अगर बात करते हैं तो ये होगा आत्माराम पांडुरंग के साथ। क्लियर है? चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है, निम्नलिखित में से किसका नेतृत्व गांधी जी ने नहीं किया था? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व जो था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था, महात्मा गांधी के द्वारा नहीं किया गया था। ठीक है, अगर हम बात असहयोग आंदोलन की करते हैं तो ये हुआ है 1920 में, चंपारण सत्याग्रह 1917, बारदोली सत्याग्रह 1928 और खेड़ा विद्रोह 1918। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 है वो है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में बायसराय की कार्यकारिणी की सदस्यता से किस व्यक्ति ने इस्तीफा दे दिया था? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शंकरन नायर ने जो था वो 13 अप्रैल जो 1919 में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इसके बाद शंकरन नायर ने बायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था। इससे और भी कुछ याद रखिएगा, इस घटना से आहत होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी सर की उपाधि त्याग दी थी, गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि त्याग दिया था, और एक और नाम याद रखिएगा, जमाना लाल बजाज, जिसने राय बहादुर की उपाधि त्याग दी थी। क्लियर है? चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है, गांधी इरविन समझौते के मध्य किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो गांधी इरविन समझौते के मध्य जो था वो एम आर जयकर और तेज बहादुर सप्रू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों, यानी तेज बहादुर सप्रू और एम आर जयकर दोनों। ठीक है, और इसी समझौता के बाद गांधी जी जो थे वो सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया था, और फिर 3 जनवरी 1932 को प्रारंभ किया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन, और फिर इसको लास्टली 7 अप्रैल 1934 को अंतिम रूप से वापस ले लिया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है और इसको डायरेक्शन डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का क्वेश्चन है, ये बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, इसको अगर आप बना लीजिएगा तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 में साइन को चेंज करने के बाद सॉल्व करने बोल रहा है, इस क्वेश्चन को भी अगर सॉल्व कीजिएगा तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 में कुछ आकृतियाँ दी गई हैं 73 से 75 तक, और इसको की कौन त्रिभुज है, कौन कॉपी है, या त्रिभुज ये डिनोट करता है, चतुर्भुज ये डिनोट करता है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 73 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 19। 74 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 134। और 75 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, ब्लैक को AMZDJ लिखा हुआ है। देखिए ये किया कुछ नहीं है, एक बार -1 और एक बार +1 किया है, जैसे ये है ना ब्लैक, तो ब्लैक में -1, बी में -1 किया है ए, एल में +1 किया है एम, ए में -1 किया है जेड, और सी में +1 किया है डी, और के में -1 किया है जे। तो -1 +1 का सीरीज है, तो ब्यूटीफुल में भी ऐसे ही -1 +1 कीजिएगा तो आपका जो सही आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है, निम्न में से कौन है वो भेन आरेख जो मोबाइल लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक को सही ढंग से डिनोट करता है? तो देखिए मोबाइल और लैपटॉप दोनों इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, लेकिन मोबाइल लैपटॉप नहीं हो सकता, लैपटॉप मोबाइल नहीं हो सकता, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 में सीरीज चल रहा है 4 × 5, तो 2 × 4 = 8, 8 × 4 = 32, फिर 32 × 5 = 160, और 160 × 5 = 800, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना निम्न में से किस मंत्रालय की फ्लैगशिप योजना है? तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यानी PMKVY की बात कर रहा है, तो ये जो है वो कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की फ्लैगशिप योजना है, जिसको स्टार्ट किया गया था 20 फरवरी 2015 को।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है नाबार्ड की स्थापना किस समिति के संस्तुति पर हुआ था। तो नाबार्ड की जो स्थापना है वो शिव ब्राह्मण समिति की संस्तुति पर नाबार्ड एक्ट 1981 के तहत 12 जुलाई 1982 को हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिव ब्राह्मण समिति। ठीक है, नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसका कि मुख्यालय है मुंबई में और अभी तत्कालीन इसके अध्यक्ष हैं गोविंद राजलू चिंटाला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी करता है, तो ये जारी करता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। IMF की अगर बात करते हैं तो IMF से याद रखिएगा इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में, इसका फॉर्मेशन हुआ है 1945 में और इसके मेंबर कंट्रीज हैं 189। इसके अभी तत्कालीन MD मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा और इसके एक चीफ इकोनॉमिस्ट हैं जिसका नाम है गीता गोपीनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन शेयर बाजार में अस्टोरिया नहीं है। तो देखिए शेयर स्टैक शेयर बाजार का अस्टोरिया नहीं है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। स्टैक का मतलब स्टैक एक ऐसा व्यक्ति होता है जो प्राइमरी मार्केट में निवेश करना पसंद करता है लेकिन सेकेंडरी मार्केट में वो निवेश करना पसंद नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है कि भारत में विदेशी विनिमय दर फॉरेन एक्सचेंज रेट की निम्न में से किस कौन सी प्रणाली अपनाई गई है। तो भारत में विदेशी विनिमय दर की प्रणाली अपनाई गई है प्रतिबंधित विनिमय दर प्रणाली। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और इसमें क्या होता है विनिमय दर का निर्धारण जो होता है वो बाजार की शक्तियाँ यानी कि मांग और आपूर्ति के द्वारा होता है, लेकिन अगर उसमें बहुत अधिक उतार चढ़ाव आता है तो RBI उसको समान स्तर पर लाने की कोशिश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है कि हाल ही में जैव ईंधन नीति लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन बना है। तो प्रथम राज्य कौन बना है, राजस्थान। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। राजस्थान से एक और चीज़ याद रखिएगा, ये चांदी और कच्चा तेल उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान पर है। राजस्थान के अभी तत्कालीन मुख्यमंत्री का नाम है अशोक गहलोत और यहाँ के गवर्नर का नाम है कलराज मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है ग्रीन पीस की रिपोर्ट के अनुसार मानव जाति सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन करने में सबसे अग्रणी राष्ट्र कौन है। तो ये है हमारा देश भारत। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है कि भारत में किस स्थिति से वाहन उत्सर्जन मानक लागू होगा। तो भारत में जो वाहन उत्सर्जक लागू हो चुका है जो हमारा BS6 है, मतलब BS का मतलब होता है यहाँ पे भारत स्टेज। ठीक है, ये एक पॉल्यूशन इमिशन कंट्रोल है और BS6 लागू किया गया है 1 अप्रैल 2020 से। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है कि ब्रह्मोस प्रक्षेपात्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका निर्माण भारत एवं रूस के सहयोग से किया गया है, बिल्कुल सही है। इसका नाम भारत के ब्रह्मपुत्र एवं रूस के मॉस्क्योवा नदी के नाम पर रखा गया है, ये भी बिल्कुल सही है। यह सतह से हवा में प्रक्षेपित होने वाला क्षेत्र यान है, नहीं ये गलत है। क्यों? क्योंकि यह सतह से सतह पर ही वार करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है किस ब्रिज को प्रस्थित की आतंकवादी कहा जाता है। तो ये कहा जाता है यूकोलिप्टस, जिसको हम लोग सफेदा बोलते हैं। यूकोलिप्टस को इसलिए प्रस्थित की आतंकवादी कहा जाता है क्योंकि ये और दूसरे पेड़ों के कंपेरिजन में कम से कम 3 गुना ज़्यादा पानी सोखता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूकोलिप्टस। क्वेश्चन नंबर 89 है हमारा मैथ्स का क्वेश्चन है, ये बोर्ड मार्क्स के रूल से आप लोग आराम से इसको कर सकते हैं और इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका जो सही आंसर आएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इसके आगे पूरा मैथ्स का ही क्वेश्चन है तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको PDF में अटैच करके दे दूंगा, तो आप उसको कर लीजिएगा और ये मैं उसका PDF मतलब सॉल्यूशन जो है वो अटैच करके आप लोगों को उसके साथ दे दिया हूँ, तो आप इसको कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, और कल से जो हमारा शेड्यूल रहेगा वो मैं आप लोगों को बता ही दिया हूँ। कल से जो ESI का जो नया बुक आया है मार्केट में एडिटोरियल पब्लिकेशन का, वो स्टार्ट करवाऊँगा मैं और एक एक दिन अल्टरनेट में होगा। एक दिन प्री का सेट चलेगा और दूसरे दिन मेन्स का सेट अवेलेबल करवा दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।